नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यथार्थ एकेडमी। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक व्यक्तिक सेवा कार्य के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप वर्क। क्योंकि व्यक्तिक सेवा कार्य में हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव पढ़ाई की है और सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा है, तो अब हम समूह कार्य में उन पुरानी चीज़ों को यूज़ करेंगे और इसलिए चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपका सिलेबस टाइम से ख़त्म नहीं हो पाएगा। हम बिल्कुल समय से सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे, बशर्ते कि आप पीछे की चीज़ों को रिकॉल करेंगे। पीछे की चीज़ों को जब भी जरूरत पड़े आप वीडियो जाके देखेंगे और उन चीज़ों को रिकॉल करेंगे, क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो व्यक्तिक सेवा कार्य में हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर रिपीट होंगी और उनका संदर्भ बस थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पुरानी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में जो आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में जो पॉइंट्स मेंशन है उसमें सबसे पहले तो समूह कार्य का अर्थ, समूह कार्य का उद्देश्य, समूह कार्य हेतु आवश्यक निपुणताएं या स्किल या कौशल, समूह कार्य की प्रक्रिया, कार्यक्रम नियोजन एवं विकास, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अभी, नेतृत्व का विकास। ये इतने पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो इतने पॉइंट तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। बट आप जैसा कि जानते हैं कि कभी कभी प्रश्न जो है सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है उन्हीं के अंदर के कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पे सिद्धांत के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की है सिलेबस में, लेकिन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, समूह निर्माण, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया समूह के निर्माण और उसके साधन, उसको एक साधन के रूप में उपयोग करने पर निर्भर है, इसलिए समूह निर्माण से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और उसकी प्रविधियां, प्रविधियों के बारे में अलग से कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रविधियां भी महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है इस पर भी प्रश्न, तो हम इन पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पर चर्चा करने से पहले हम समूह कार्य से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप ये डायग्राम देख रहे होंगे कि व्यक्ति किसी न किसी समूह का सदस्य होता है और समूह से मिलकर समुदाय बनता है। अब समूह कार्य में जिन समस्याओं को हम लोग डील करते हैं वो समस्याएं ऐसी होंगी कि वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या भी हो सकती है। जैसे अगर कोई मंदबुद्धि बालक है तो उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, लेकिन अगर ऐसे मंदित बालकों का समूह हो तो वो पूरा समूह ही उस समस्या से ग्रसित है और समूह के माध्यम से जब उसका उपचार किया जाएगा तो वहां पे समूह कार्य की प्रविधि अप्लाई हो जाएगी। अगर कोई एक किशोर है जो अपराधी प्रवृत्ति का है या अपराध किया है उसने कोई, तो उसकी ये व्यक्तिगत समस्या है, उसको व्यक्तिगत रूप से भी हम डील करेंगे, लेकिन बहुधा ऐसे जो अपराधी होते हैं उनको एक ग्रुप में अगर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, ग्रुप में उनको रख के एक माहौल दिया जाए प्रॉपर, तो वो जल्दी सुधरते हैं, उनका विकास ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है और वहाँ पे समूह कार्य की प्रविधि ज़्यादा उपयोगी हो सकती है। ऐसे ही अगर हम देखें विधवा महिलाओं का समूह, अगर कोई कई जगह विधवा आश्रम बने हुए हैं, वृद्धाश्रम बने हुए हैं, तो एक वृद्ध व्यक्ति है उसकी अपनी व्यक्तिगत समस्या तो है ही, तो एक वहाँ पे सोशल केस वर्क तो अप्लाई हो ही सकता है, लेकिन जब हम एक समूह के रूप में उनको एक प्रॉपर माहौल दे करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे समूह कार्य की प्रविधि उपयोग होती है। अब समूह कार्य में भी चूंकि व्यक्ति होंगे तो व्यक्तियों से भी समूह कार्यकर्ता को इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो व्यक्तिक सेवा कार्य में यूज होती थी वो वहाँ पे व्यक्ति के संदर्भ में समूह कार्यकर्ता को भी यूज करनी पड़ती है। समूह का तात्पर्य है कि ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे लोगों का समूह या दो या दो से अधिक ऐसे लोग जिनकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, एक सी सामान्य समस्याएं होती हैं, अगर हम समाज का एक संदर्भ में देखें तो उनकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, उस प्रकार के अगर चार पांच दो या दो से ज़्यादा लोग हों तो उनको हम लोग समूह का नाम देते हैं। तो समूह में ये चीज़ है, जैसे मान लीजिए विधवा महिलाएँ हैं तो विधवा महिलाओं की एक कॉमन समस्या है, उनकी उनको जीविकोपार्जन की समस्या हो सकती है, उनकी तमाम आवश्यकताएं हैं जो लगभग कॉमन होंगी सभी विधवा महिलाओं में, उनकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी, एक व्यक्ति के रूप में उनकी विशिष्टता होगी, लेकिन एक समूह के रूप में उनकी कुछ कॉमन आवश्यकताएं होंगी, कॉमन नीड्स होंगी जो उनको एक समूह के रूप में ज़्यादा प्रभावी तरीके से प्रदान की जा सकती हैं। तो इस प्रकार के जो समूह होंगे उसके ऊपर हम लोग समूह कार्य की प्रविधि अप्लाई करेंगे। अब समुदाय की भी बात हम लोग चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, आगे समुदाय संगठन हम लोग पढ़ेंगे। समुदाय में क्या होंगे, विभिन्न समूह हो सकते हैं, विभिन्न समूह अलग अलग विशिष्टताओं के साथ मिल करके एक समुदाय का निर्माण करते हैं। जैसे किसी
अगर हम किसी ग्रामीण समुदाय की बात करें तो ग्रामीण समुदाय में अलग अलग जाति के लोग प्राचीन काल से रहते चले आए हैं, जो अलग अलग कार्य परफॉर्म करते थे। जैसे बड़ई लोगों का समूह हो गया, या किसी विशिष्ट काम को करने वाले लोगों का समूह हो गया। तो इस प्रकार के लोगों का समूह मिल करके आपस में समुदाय का निर्माण करता है। समुदाय में ये होता है कि विभिन्न समूह आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं दैनिक क्रियाओं के संदर्भ में। तो उस प्रकार के एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जब विभिन्न समूह एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होकर अंतर्क्रिया करते हैं तो उसे हम लोग समुदाय का नाम देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर हम लोग कैसे करेंगे। तो अब चूंकि आप लोगों को मेरी टेक्निक पता चल गई है कि हम कैसे क्वेश्चंस को डील करते हैं, किस प्रकार से हम आंसर फ्रेम करते हैं, तो यहाँ पे हम ज्यादा डिस्क्राइब न करके हम इसको संक्षेप में बताते चलेंगे कि इसका आंसर हमें कैसे फ्रेम करना है। तो देखिए, इसमें एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समूह कार्य की अवधारणा, या समूह कार्य का अर्थ, या समूह कार्य की परिभाषा। तो बहुत से लोग आंसर लिखने में क्या करते हैं, ढेर सारी परिभाषाएं याद रखते हैं। तीन चार विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने क्या कहा है वो परिभाषाएं याद रखते हैं और लाइन से वो परिभाषाएं लिखते चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं मिलेंगे कि आपने बहुत सारी परिभाषाएं याद करके लिख दी। आपको अच्छे मार्क्स तब मिलेंगे जब आपके आंसर में ये रिफ्लेक्ट हो कि आपको इसकी थीम पता है। अगर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए कहा गया है तो आपके आंसर से लगना चाहिए कि आपको अवधारणा की समझ है, न कि आपने रटा रटाया आंसर लिखा है। ठीक है, अगर अवधारणा, अर्थ या परिभाषा पूछा जाता है तो आपको परिभाषा लिखनी है एक या दो। कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि समूह कार्य क्या है, समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है। तो पहली समझ तो आपकी ये हुई कि ये समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है। प्राथमिक होने का सेंस ये है कि ये डायरेक्टली किसी सेवार्थी की सहायता करती है। तो प्राथमिक प्रणाली है जो किसी समूह की सहायता करती है या समूह को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। दूसरी चीज क्या है, यह एक व्यावसायिक सेवा है, प्रोफेशनल है। इसके लिए प्रोफेशनल होने की जो विशेषताएं हमने बताई थी वो सारी इसके लिए भी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप ये चीज लिखेंगे अपने शब्दों में कि ये क्या है, समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है जो सेवार्थी के रूप में समूह को आत्मनिर्भर बनाने या उसकी कार्यात्मकता बढ़ाने में सहायता करती है। ठीक है, उसके बाद से निश्चित रूप से आपको एक या दो परिभाषाएं देनी पड़ेंगी जो किसी ऑथर ने दी है। इसमें भी मैंने बताया आपको कि याद करने की एज इट इज जरूरत नहीं है, आपको बस की टर्म्स पता होना चाहिए कि कुनुपका के परिभाषा जो है उसके की टर्म्स क्या हैं, उसको बस अपने शब्दों में पिरो दीजिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है और ये अर्थानुवाद न होकर भावानुवाद होता है, तो आप अपने भावानुवाद कर सकते हैं, बस की टर्म ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज तो किसी परिभाषा आप देखेंगे तो उसको एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं कि यह क्या है, समाज कार्य की एक प्रणाली है। तो कुनुपका ने कैसे परिभाषित किया है कि समूह कार्य समाज कार्य की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव के माध्यम से व्यक्तिगत, सामूहिक व सामुदायिक समस्याओं के समाधान व सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करने में सहायता प्रदान की जाती है। तो कुनुपका की परिभाषा का सार क्या हुआ कि समूह कार्य समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है, या एक प्रणाली है जो उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव, मतलब समूह के रूप में आप क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो समूह में जब व्यक्ति अंतःक्रिया करता है तो उसको एक प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है, उस अनुभव को हम लोग सामूहिक अनुभव कहते हैं। तो लेकिन ये आप विभिन्न प्रकार के समूह के सदस्य होते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो पढ़ने जाता है तो उसका क्लास जो है, उस क्लास का भी, वो क्लास भी क्या, एक प्रकार का समूह है। तो बच्चा उस समूह का भी सदस्य है। जब वो घर पे आता है तो घर के आसपास रहने वाले बच्चों का भी एक दूसरा समूह होगा जिसमें कई आयु वर्ग के बच्चे होंगे, कई उसकी क्लास में होंगे, कई उसकी क्लास से ज्यादा क्लास बड़े क्लास के होंगे, कई उसी क्लास से छोटे क्लास के होंगे। तो वहां भी वो एक समूह का निर्माण करता है। उस समूह की आवश्यकताएं विशिष्ट हैं, अलग हैं, जो कि उस क्लास के समूह जो है उसकी आवश्यकताओं से डिफरेंट है। तो क्लास में उसकी एक अलग आवश्यकता की पूर्ति होती है चूंकि वो समूह का सदस्य है। तो यहाँ पे घर पे आने के बाद मोहल्ले के लड़कों के साथ जो उसका समूह बनता है, उस समूह की एक अलग आवश्यकता है और वो उस बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति उस समूह में होती है। तो अब ये समूह तो बने ही हुए हैं, लेकिन समूह कार्य क्या करता है, उद्देश्यपूर्ण सामूहिक अनुभव, मतलब सामूहिक अनुभव एक पर्पजफुल होगा, एक उद्देश्य होगा, उस निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो समूह बनाया जाएगा और आपको उसका अनुभव कराया जाएगा और उस अनुभव के माध्यम से आपको
आपकी समस्याओं का, व्यक्ति की, समूह की या समुदाय की समस्याओं का समाधान करने और उनकी फंक्शनलिटी जो होगी, सोशल फंक्शनलिटी जो होगी, उसको बढ़ाने में सहायता प्रदान करने की प्रणाली है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कई सारे अपराधी हैं, बाल अपराधी का एग्जाम्पल लेते हैं कि बाल अपराधी, उन्होंने कई सारे बाल अपराधी जिन्होंने कुछ कुछ अपराध किया है और उनको बाल सुधार गृह में भेजा गया है, सभी इंडिविजुअल्स हैं। अब वहां पे उन सभी इंडिविजुअल्स को समाज कार्यकर्ता क्या करेगा, उद्देश्यपूर्ण रूप से एक ग्रुप के रूप में परिवर्तित करेगा, एक समूह बनाएगा और उस समूह में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से उनको समूह बिहेवियर सिखाएगा। बेसिकली बाल अपराध की समस्या क्या है, एक विचलन की समस्या है, सामाजिक जो स्वीकार्य व्यवहार है उससे बच्चा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो समूह के माध्यम से कार्यकर्ता अपने विशिष्ट प्रविधियों, अपने विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करते हुए समूह में इंटरेक्शन इस प्रकार से बनाता है, समूह इस प्रकार से फॉर्म करता है, उनको इस प्रकार से अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है ताकि उनके अंदर सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर डेवलप हो सके। क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के विकास के लिए समूह आवश्यक होता है, समूह के अंदर ही आदमी, व्यक्ति जो है अपना विकास करता है। तो कार्यकर्ता भी इसी चीज को ध्यान रखते हुए उसको ऐसा समूह प्रदान करता है ताकि उसके अंदर सकारात्मक चीजें विकसित हो सके। भाई आप किसी समूह में रहते हैं तो समूह का सकारात्मक प्रभाव भी होता है और नकारात्मक प्रभाव भी होता है। अब जैसा कि कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने और देखा भी जाता है कि बच्चे जो है संगत में बिगड़ जाते हैं, गलत समूह अगर उन्होंने चुन लिया तो वो बिगड़ जाते हैं, तो वो समूह का एक नकारात्मक प्रभाव है। यहाँ पे कार्यकर्ता क्या करेगा, कार्यकर्ता समूह का सकारात्मक प्रभाव लाने का प्रयास करता है, सकारात्मक समूह का निर्माण करता है जो कि उसके कौशल का, अपने कौशल का उपयोग करते हुए ताकि उनके अंदर, व्यक्ति के अंदर सकारात्मक परिवर्तन आए। ठीक है, तो ये कुनुपका की परिभाषा का मूल हो गया। फिर आते हम लोग विल्सन तथा रायलैंड, तो आप दो परिभाषाएं अगर लिख देते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ, एक भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, बशर्ते आप उसे अपने शब्दों में फिर से उसे बताएं कि इन परिभाषाओं का क्या मतलब है। जब भी आपसे अर्थ, अवधारणा या परिभाषा के क्वेश्चन पूछे जाएं तो सिर्फ परिभाषा लिखने तक सीमित नहीं रहना है, उसे बताना है कि आपके तात्पर्य, आपका तात्पर्य क्या है इन परिभाषाओं से, उन परिभाषाओं का जो मतलब निकल रहा है उससे जो समूह कार्य की विशिष्टताएं निकल के आ रही हैं वो चीज आपको फिर बतानी होती है उसमें कुछ। तो ये हो गया विल्सन तथा रायलैंड की परिभाषा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूं। तो विल्सन तथा रायलैंड की परिभाषा देखेंगे तो समूह के अंदर होने वाली अंतःक्रिया को निर्देशित करता है। अगेन यहां पे उद्देश्यपूर्ण था तो यहां पे क्या है, निर्देशित है। समूह के अंदर जो अंतःक्रिया होती है उसको डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट किधर करेगा, सकारात्मक दिशा में करेगा। तो जो चीज यहां थी लगभग वही चीज यहां पे भी है। ठीक है, और यहां पे एक महत्वपूर्ण और चीज है कि वो प्रजातांत्रिक अवधारणा को साकार करने में सक्षम हो, मतलब इस प्रकार निर्देशित करता है जिससे उन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके जो प्रजातांत्रिक अवधारणा को साकार करने में सक्षम है। तो प्रजातांत्रिक अवधारणा के अंदर क्या है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व, ये मेन प्रजातांत्रिक अवधारणा है। तो इसको साकार करने में सक्षम हो सके, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है, अब जब व्यक्ति विचलित नहीं होगा तो ये सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएंगी और यही काम सामाजिक कार्यकर्ता। तो यहाँ पे कार्यकर्ता की भूमिका भी है, देखिए कार्यकर्ता क्या करता है, सचेत रूप से, मतलब कॉन्सियस होकर के वो एफर्ट करता है कि ग्रुप इस तरीके से बने, ग्रुप में अंतःक्रिया इस तरीके से हो, कार्यक्रम इस तरह से बने ताकि उनकी अंतःक्रिया सकारात्मक हो सके। वो निर्देशित भी करता है, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ग्रुप फॉर्म होता जाता है, वो उसको गाइड करता रहता है एक प्रॉपर डायरेक्शन में। तो इस परिभाषा का सार ये है, आपने दो ऑथर्स के नाम परिभाषा दे दी, इंट्रोडक्शन दे दिया, दो ऑथर्स की परिभाषा दे दी, अब आपको बताना है कि इस परिभाषा के आधार पर हम समूह कार्य की निम्नलिखित विशिष्टताएं देख सकते हैं। ठीक है, तो समूह कार्य की कुछ विशिष्ट मान्यताएं हैं। अब जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य का समूह में ही विकास होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके विकास के लिए मनुष्य एक बायोलॉजिकल रूप में तो आदमी तैयार हो सकता है, सिर्फ खाना पानी उसको मिलता रहे तो आप जंगल में छोड़ दीजिए उसको, लेकिन जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य बिहेवियर है, समाज में रहने लायक जो एक्सेप्टेंस उसकी होगी, वो तभी होगी जब उसका विकास समूह में होता है। इसीलिए क्लास में बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए भेजा जाता है ताकि वहां पे सामूहिक रूप से उनका विकास हो सके। समूह के माध्यम से परिवर्तन करना आसान होता है, कई ऐसी चीजें होती हैं जो समूह के रूप में अगर आप करें तो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाना आसान होता है। किसी व्यक्ति को आप, अगर किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए आप कहें तो वो हो सकता है ना करे,
लेकिन अगर चार बच्चे इकट्ठा कर लें, तीन बच्चों से वो आप काम करवा ले रहे हैं, तो चौथा बच्चा भी उसको देख के आसानी से उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। तो ये होता है कि समूह के माध्यम से परिवर्तन जो है सरल हो जाता है। ध्यान रखिए यहाँ पे समूह क्या है, एक माध्यम है। समूह यहाँ पे क्या कर रहा है, एक माध्यम का काम कर रहा है। अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है, जो सबसे लाभार्थी कौन होगा, एक व्यक्ति ही होगा, लेकिन यहाँ व्यक्ति अकेला नहीं होगा, वो एक समूह के रूप में होगा। यानी उस समूह में जितने सदस्य हैं उनके सभी एक समान आवश्यकताएं होंगी जिसकी पूर्ति उस समूह के माध्यम से हो रही है। तो व्यक्ति सेवा कार्य में और समूह कार्य में यहीं पे डिफरेंस हो जाता है। वहां पे यूनिट क्या होगा, एक व्यक्ति होगा, और यहाँ पे यूनिट क्या होगा, एक समूह होगा। जो भी लाभ मिलेगा पूरे पूरे समूह को एक साथ मिलेगा। वहां पे जो लाभ मिला था एक व्यक्ति को मिला था, यहाँ पे व्यक्ति तो लाभान्वित हो रहा है, लेकिन अकेले एक व्यक्ति लाभान्वित नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा समूह लाभान्वित हो रहा है। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो कार्य करने की यूनिट है, जो इकाई है, वो वहां पे व्यक्ति था और यहाँ पे समूह है। तो ये समूह कार्य की कुछ मान्यताएं हैं कि भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह में ही मनुष्य का विकास होता है। जो मनुष्य के अंदर यथोचित गुण चाहिए उनका विकास समूह में ही होता है। तीसरी चीज कि समूह के माध्यम से या समूह में व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर परिवर्तन करना आसान होता है। एक और चीज जो हम हमेशा कहते हैं कि समाज कार्य के बारे में, व्यक्ति सेवा कार्य के बारे में या समूह कार्य के बारे में, कि यह एक व्यावसायिक सेवा है। व्यावसायिक सेवा होने के लिए क्या चाहिए, आप इसका शिक्षण प्रशिक्षण किए हो, ठीक है, इसके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, इसके लिए जो है आपको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, स्पेशली आपको कोई सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, कोई डिग्री मिलनी चाहिए, और उसके लिए आपको प्रॉपर प्रशिक्षण मिला हो। तो ये व्यावसायिक सेवा के गुण हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी एक व्यावसायिक सेवा है, इसकी मान्यता है। अब जब समूह कार्य की अवधारणा बता रहे हैं तो उसकी फिलॉसफी भी जरूर बताएं थोड़ी सी। तो समाज कार्य क्या है, समूह कार्य क्या है, समाज कार्य के ही दर्शन पर आधारित है, जो कि प्रजातांत्रिक और मानवतावादी दर्शन है। प्रजातांत्रिक के अंतर्गत चार चीजें आती हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा बंधुत्व। और मानवतावादी के अंतर्गत जितने भी मानवाधिकार आप जानते हैं वो सारी चीजें आती हैं उसमें। मनुष्य की क्षमता में, अंतर्निहित क्षमता में विकास, विश्वास, मनुष्य क्या है, अपने अस्तित्व के कारण मूल्यवान है, ये सारी चीजें मानवतावादी दर्शन के अंतर्गत आती हैं। और एक और आखिरी चीज कि यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। प्रक्रिया के बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है, यहां पर आपको बताना होगा इस अवधारणा के अंतर्गत। तो इतनी सारी चीजें जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर जाके कंप्लीट होगा। और लास्ट में ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न में आपको अपने शब्दों में अंत में जाके कि भाई इतना सब होने के बाद से आपने समूह कार्य के विषय में क्या समझा, तो अंत में आप निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे कि समूह कार्य क्या है। समूह कार्य, अब ये सारी चीजें जो आपने लिखी हैं वो सारी चीजें आप एक समरी के रूप में यहाँ पे लिखेंगे कि समूह कार्य एक व्यवसायिक सेवा है, जो समाज कार्य की एक प्राथमिक प्रणाली है, जो फला फला दर्शन पर आधारित समूह के रूप में व्यक्ति की सहायता करती है ताकि हम इन इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। जब आप फाइनली कंक्लूड करेंगे तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में समूह कार्य। अगर आप देखें ध्यान से तो पीछे हम लोग व्यक्तिगत सेवा कार्य में सेम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, और वो डिस्कस करते वक्त भी मैंने आपसे बोला था कि हम लोग आगे समूह कार्य में भी इस चीज को देखेंगे कि ये प्रश्न कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने डिटेल में किया था, यहाँ पे इसको बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। लिखेंगे तो आप लोग एग्जाम में पूरी तरह से ही, अगर दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा, तो अगर एग्जाम पूछा जाए तो आप डिटेल में लिखेंगे, हम यहाँ पे उसको डिस्क्राइब शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। जिन लोगों को दिक्कत महसूस होगी वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर मुझे याद नहीं, आप देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा कि एक प्रणाली के रूप में समूह कार्य, वहां पर हमने डिस्कस किया था एक प्रणाली के रूप में व्यक्तिक सेवा कार्य, ठीक है। तो समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में समूह कार्य का क्या तात्पर्य है, या समाज कार्य की एक प्रणाली के रूप में समूह कार्य को स्पष्ट कीजिए, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में यहां पे अगेन आप अपने शब्दों में कोई एक परिभाषा, अगर परिभाषा नहीं याद है तो बना के अपनी परिभाषा, जो कीवर्ड्स यहां से आपने देखे हैं उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके एक परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा क्या है कि एक प्राथमिक प्रणाली है, समूह के रूप में सेवार्थी की सहायता करती है, उसको आत्मनिर्भर बनाती है, उसकी समस्याओं का समाधान करती है। ये सिंपल सी चीज भी आप लिख देंगे तो भी काम चलेगा। अगर कोई परिभाषा एज इट इज याद है तो बिना ऑथर का नाम दिए हुए आप उसको वहां पे लिख सकते हैं। कोशिश यही रहे कि वो रटे रटाए ना लगे, आपके अपने शब्दों में लिखी हुई लगे। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ यहाँ पे फिर हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में आप बता देंगे कि प्रणाली का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे हमने लिख दिया है, पीछे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रणाली का क्या तात्पर्य है।
और इन्हीं पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो सबसे पहले प्रणाली का मतलब क्या है कि वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए, कुछ उसमें सर्टेन स्टेप्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अध्ययन, निदान, उपचार और मूल्यांकन, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ समूह के संदर्भ में हमें डिस्क्राइब करना होगा। तो यहाँ बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है, हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है, बस आपको ये बताना है कि अध्ययन, निदान, उपचार तथा मूल्यांकन के स्टेप्स ये फॉलो करता है। अध्ययन में क्या करता है वो, अध्ययन के अंतर्गत किन किन साधनों का उपयोग करता है, तो ऑब्वियस ही बात है समूह के एक एक सदस्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, तो उसके लिए क्या करेगा, साक्षात्कार का उनका अवलोकन करता है, उनके रिकॉर्ड देखता है, ये तो अध्ययन के साधन हो गए। और तथ्य के रूप में वो क्या इकट्ठा करता है, समूह के जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की के व्यक्तित्व के संबंध में सूचना इकट्ठा करता है, समूह के अंदर उनके आपस में रिलेशन कैसे हैं, किस व्यक्ति का समूह पर क्या प्रभाव है, समूह का व्यक्ति पर क्या प्रभाव है, समूह की संरचना कैसी है, इन सब चीजों का तथ्यों को वो इकट्ठा करता है। साधन कौन कौन से हैं जिनको हम समूह की प्रक्रिया में उपयोग कर सकते हैं, उन सब साधनों के बारे में पता लगाता है, तो अध्ययन में इन सब चीजों का पता लगाएगा। निदान के अंतर्गत फिर वही दो चीजों का, निदान के अंतर्गत समस्या का कारण क्या है, समस्या का कारण क्या है और उपचार कैसे हो, इन दो चीजों पर उसका फोकस रहता है। ठीक है, सिमिलरली उपचार में क्या करता है, वो सिद्धांतों व प्रविधियों का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करता है। यहां पे आपको डिटेल नहीं लिखना है क्योंकि हमें इतनी सारी चीजें लिखनी है, अगर डिटेल लिखेंगे तो ये फुल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर मूल्यांकन, तो पूरी प्रक्रिया का वो फिर से मूल्यांकन करता है और जहां पे आवश्यकता होती है वहां पे फिर उसी हिसाब से परिवर्तन करता है। ये चीज आपने बता दी चरणबद्ध प्रक्रिया के रूप में। एक विशिष्ट दर्शन पर आधारित है, तो समाज कार्य के ही दर्शन पर समूह कार्य भी आधारित है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये किस पर आधारित है, प्रजातांत्रिक और मानवाधिकारवादी दर्शन पर आधारित है। ठीक है, तो आपने एक पॉइंट ये डिस्कस कर लिया। फिर इसके कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी डिटेल में, बट यहां पे बस आपको क्या करना है कि समूह कार्य में इन इन सिद्धांतों का प्रयोग करके समूह की सहायता की जाती है। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपने बता दिया, जैसे नियोजन का सिद्धांत, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत, निर्देशी समूह अंतःक्रिया का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ये बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इन सिद्धांतों का नाम गिना के आपने बता दिया कि इसका प्रयोग करके समूह की सहायता की जाती है। उस याद आते हैं विशिष्ट कौशल तथा प्रविधियां, ध्यान रखिए विशिष्ट कौशल तथा प्रविधियां, तो समूह कार्य के लिए भी कुछ स्पेशल गुण चाहिए कार्यकर्ता के अंतर कार्यकर्ता के पास, जैसे समूह के अंदर भागीदारी करने का एक गुण है, संचार करने का गुण, कौशल, संचार कौशल उसके अंदर होना चाहिए कि वो अपनी बात ठीक तरीके से समूह को समझा सके। ठीक है, समूह के अंदर की संरचना समझने का गुण, मानवीय संबंधों का ज्ञान या मानवीय संबंधों को समझने का गुण, मानवीय भावनाओं को समझने का गुण, ये सब कुछ ऐसी ऐसे स्किल हैं जो उस कार्यकर्ता के अंदर होने चाहिए। और ये और कुछ प्रविधियां हैं, जैसे भागीदारी की प्रविधि हमने बताया, निर्देशन की प्रविधि। ठीक है, तो ये इस तरह की प्रविधियां हैं जो उसको उसके पास होनी चाहिए, जिनका वो प्रयोग करता है। और ये सारी चीजें उसको कैसे मिलती हैं, प्रशिक्षण पे मिलती हैं, क्योंकि मानवीय संबंधों के बारे में उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है कि मानव के इस भावना का बिहेवियर से क्या संबंध है, तो ये सारी जानकारी उसके पास होती है। और उसको क्या मिलता है, विशेष प्रशिक्षण मिलता है इन प्रविधियों को यूज करने का। तो प्रशिक्षण पर आधारित विशिष्ट कौशल तथा प्रविधियां होती हैं समाज कार्य की, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आप वहां से इन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। फिर एक और चीज जो शायद हमने वहां पे नहीं बताई थी, आप वहां पे भी चाहे तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, विशिष्ट क्षेत्रों में अनुप्रयोग। मतलब अब प्रणाली का मतलब कि वो कहीं पे जीवन के किसी क्षेत्र में उसका उपयोग किया जा रहा हो, कहीं पे उसका अनुप्रयोग किया जा रहा हो। तो हमने क्षेत्र डिस्कस किया था व्यक्तिगत सेवा कार्य का, तो उन क्षेत्रों के नाम आपको गिनाने हैं कि इन इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत सेवा कार्य की प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो सिमिलर वे में इन इन क्षेत्रों में हम लोग ग्रुप वर्क की प्रणाली का प्रयोग करके समूह की सहायता करते हैं। तो कुछ नाम जैसे मैंने लिखे हैं, वृद्धाश्रम में वृद्धों का समूह है उनके लिए, किशोर अपराधियों का समूह है उनके लिए, मंदित बालकों का समूह है उनके लिए, श्रमिकों का समूह है उनके लिए, या विधवा स्त्रियों का समूह है उनके लिए। तो इन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन कुछ का आप नाम गिना देंगे कि इन क्षेत्रों में समूह कार्य की प्रणाली का उपयोग करके समूह की सहायता की जाती है, समूह को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब बाद में लास्ट में आपने कैलकुलेशन लिखा कि इस प्रकार से स्पष्ट है कि समाज समूह कार्य क्या है, समाज कार्य की एक प्रणाली है। तो दोस्तों अब
अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज़। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।